इसकी कि जो आपको फूड स्ट्रीट फूड दिख रहा है वहाँ पर से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अमेजिंग चीज़ें हो रही है भाई यार, लिटरली। अरे भाई भाई बस ये लोग जा कैसे, ओ भाई व्लॉग भी बना रहे हैं लोग, व्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं फिर से बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के बारे में। दोस्तों फाइनली यहां पर बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का 850 MB का अपडेट आ चुका है करीब। और इस बार हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे जो है मैप मोड ऐड कर सकते हैं अपने। चूज द बस सिमुलेटर आईडी फोल्डर। ओके, तो ये हमारा फोल्डर है बस सिमुलेटर आईडी का। यूज दिस फोल्डर, अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा बस कुछ इस तरह का है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर 50 से न्यू सीन ऐड किए हुए गेम में। भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेजी गेम बन चुकी है अब तो हमारी। है स्टार्टिंग में मुझे पता है कि ये हर बार का होता है इन लोगों का, जो स्टार्टिंग में गेम है ना थोड़ा बहुत लैग होता रहता है, और उसके बाद एक और नया अपडेट लाते हैं और फिर करते हैं भाई जुगाड़। अब हम स्टार्टिंग करते हैं टूर मोड से। ये टूर मोड है क्या? स्टडी टूर टू सुरेबाया। वाओ क्या बात है। फैमिली गैदरिंग टू द वाह भाई क्या बात है। ये कुछ टूर ऐसे होते हैं, ये टूर है टूर, देखो यार फैमिली गैदरिंग। और यहाँ पर नई सिटी ऐड हुई है देखो, और इन्होंने बोला था बहुत सारी सिटी, 1 2 3 3 4 4 5 5, तो यहाँ पर मुझे दिख ही रही है जो सिटी ऐड हुई है, 5 सिटी नहीं ऐड हुई है दोस्तों, 5 से ज़्यादा तो नहीं है ना। ये है ना 1 2 3 4 5 5 5 ही है, ज़्यादा नहीं है भाई। भाई ये गेम बहुत क्रेजी होने वाला है यार। हम देखते हैं थोड़ा छोटा वाला जो टूर है, हम ये फैमिली वाला टूर ले लेते हैं। चलो छोटा टूर है क्योंकि इसके बाद हमें मैप मोड भी बताना है आपको, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें समय भी चाहिए वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बस सिमुलेटर आईडी के अपडेट पर भी मैं यार भाई बता दूँ तो 30 मिनट का वीडियो भी बन सकता है। सो पिकअप पैसेंजर ऑन दस डिजिग्नेट एरिया, तो यहाँ पर पैसेंजर को उठाना है। और आप ग्राफिक देखो तो थोड़े हाई हुए हैं, यहाँ पर ग्राफिक जो है इन्हेंस किए गए हैं इस अपडेट में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई। अब हमें जाना है, और अब देखो आप जो मैप देख रहे हो ना उसे वाइड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो आपको पहले फीचर नहीं देखने को मिल रहा था। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि बस सिमुलेटर इंडोनेशिया अब हो गई है और भी ज़्यादा बेहतर। ग्राफिक की बात करें काफ़ी ज़्यादा सही है। अब पैसेंजर को पिक करना है और हमें जाना कहाँ पर है, ओके घर पे पैसेंजर के, जो भी मतलब यार बंदा टूर लेकर जा रहा है उनके घर पे जाना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं हम चले जाएंगे। तो ये बच्चों को अभी इधर खड़ा रख दिया, पहले तो अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है, बाकी सारी चीज़ें सारी सही है और सेम टू सेम है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट थोड़े कर दिए गए और चीज़ों में। भाई मैं यहाँ पर इसके साथ रेस कर रहा हूँ, देखो यार आप यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यार भाई ग्राफिक तो इम्प्रूव हुए है ज़रूर गेम में, काफ़ी ज़्यादा सही ग्राफिक है। और भाई कहाँ पर है इसका घर? अभी यार मैप मोड में आप अभी लोग जो है इतने क्रेजी हो गए ना पहले से मैप मोड बना के रखे, और इसी वजह से मैंने जब मैप मोड का आपको बोला था कि भाई मैप मोड का कुछ सीन चल रहा है, तो यहाँ पर जो है पहले से उन्होंने वीडियोस डाल दिए सारे, और इसकी वजह से जो है सभी ने अपने मैप मोड क्रिएट कर दिए थे। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो आपको फूड स्ट्रीट फूड दिख रहा है वहाँ पर से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है? क्या अमेजिंग चीज़ें हो रही है भाई यार, लिटरली। अरे भाई भाई बस ये लोग जा कैसे, ओ भाई व्लॉग भी बना रहे हैं लोग, व्लॉग बना रहे भाई, ये बच्चे लेकर चढ़ रहे, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर जो है आपको सिस्टम देखने को मिलता है और सब चढ़ रहे हैं, आराम से बैठ रहे हैं। भाई यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। यहाँ पर तीन चार लोग तो व्लॉग ही बना रहे हैं, भाई सिस्टम सही है। व्लॉग वाला सबसे बंदा लास्ट में चढ़ रहा है, काफ़ी क्रेज़ी है, काफ़ी क्रेज़ी है यार। पर ये लोग टाइम भी लेंगे ना जहाँ पर हम जाएंगे, मतलब यार ये तो हम जो है छोटा वाला टूर मोड कर रहे हैं, पर जब बड़ा वाला आप करेंगे तो आप हर जगह पर रुकना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तो ये चीज़ है जो ध्यान रखनी है। पर इस बार देखते हैं क्या जाना है हमें, तो हम अब यहाँ पर सैटेलाइट ले ही लेते हैं। ऐसा तो नहीं ये लोग गुस्सा वुस्सा हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा ब्रेक फास्ट करेंगे और ऐसा कुछ मुझे लगता तो नहीं है। सो यहाँ पर आपको अब एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी और इससे आपको सारा मैप वगैरह पता चल जाएगा कहाँ पर जाना है। अगर आप मैप वाइड करेंगे तो आपको सारा जगह पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको जाना है। ये सारी चीज़ें आपको बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में, वैसे यार बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का ये अपडेट बहुत लेट आया है, बहुत लेट, मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि इस अपडेट के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। और जिस दिन इन्होंने जो है ये मैप मोड का कुछ डाला कि हाँ भाई अब आप मैप भी बना सकते हो, तो यार मुझे भी लगा कि यार भाई लगता है अब यार जल्द ही आपको देखने को मिलेगा नया अपडेट। और यार फाइनली यहाँ पर अपडेट आ चुका है। सुबह सुबह मैं 7 बजे उठा और भाई मैंने मैसेज देखा एक भाई का जिसने मुझे कमेंट किया हुआ था कि भाई अपडेट आ गया है देख लो। भाई मैं सोच रहा भाई अपडेट आ गया, ये देखो धुआं निकल रहा है। भाई क्या सिस्टम बनाया है, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सिमुलेटर गेम आई एवर सीन। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो है ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते और यहाँ पर चल देते हैं इस साइड, क्योंकि अभी हमें अपना मैप भी देखना है जो मैंने एक बनाया तो था उसमें मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ ऐड किया था, क्या पता घर वगैरह ऐड किया था और वो सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पर ज़्यादा सिस्टम मैंने चेंज नहीं किए थे उसमें, तो वो भी आपको दिखाना है कि कैसे ऐड करते हैं। लेट्स सी ऐड हो पाता है कि नहीं। वैसे मैंने उनका ट्यूटोरियल तो देखा था कुछ, पर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है। और यहाँ पर हम एक नए पैक्सी टेन करके एक जगह पर आए, ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुए। मुझे सेटिंग में जाके देखना है कि ग्राफिक का क्या सिस्टम है अभी। ओके अभी ट्रैफिक हाई कर देते हैं, ग्राफिक का तो इधर से कुछ है भाई, शैडो हाई कर देते हैं, सब कुछ है, पैसेंजर लिमिट भी है। ओके कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने अब शैडो हाई कर दिए, ढलान वाले रूट आ रहे हैं भाई। अब गेम में आपको क्रेजी रूट देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट चीज़ें होने वाली है गेम में, क्योंकि ये गेम अब सच में ETS 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैप मोड ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैप मोड ऐड हुआ तो भाई यहाँ पर आपको, मैं खुद भी यार ट्राई करूँगा कि सीखूँगा, मुझे देखो यार पल्ले नहीं पड़ता ये सारी चीज़ें ज़्यादातर, और आप सबको पता है कि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता जॉब की वजह से, बट मैं ट्राई करूँगा भाई। रूट तो देखो यार क्या बना है भाई, लिटरली क्रेजी रूट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, टर्निंग वाले सारे। सो इस टूरिस्ट मोड में शायद हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा भाई, सारे टूरिस्ट बोलेंगे भैया ये तो बेवड़ा ड्राइवर निकला। इसको बहुत जल्दी है भाई, AI अब तगड़ा हो गया है गेम में भाई, जैसे आप रुकोगे ना तो दोस्तों यार निकल ही जाएंगे वो लोग, बोलेंगे भाई हम तुम्हारे लिए कहाँ रुकने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि इस सिटी से भी आगे हमें ड्राइव करना है, द
देखो तो सही यार, क्या रूट है। बदला तो पूरी तरह से लेता हूँ मैं, और अच्छी तरह से। स्लो डाउन स्लो डाउन भाई, इतनी शॉर्ट जगह से ड्राइव करना, और आगे तो और भी खूंखार रास्ते आ रहे हैं भाई, ये बहुत क्रेजी होने वाला है। चाय पाने के लिए रोक दो क्या गाड़ी? ऐसा होता तो और भी मज़ा आता, मुझे लगता है नेक्स्ट अपडेट में ऐसा ही कुछ सोचेंगे लोग। तो अब यहाँ पर ढलान आ रही है कुछ इस तरह की, मैं सोच रहा हूँ ओवरटेक करने का। बारिश भी स्टार्ट हो गई, ये लोग भीग जाएंगे, व्लॉगर अपना व्लॉग नहीं कर पाएगा सही से। और रेन के बाद तो भाई स्ट्रीट लगती है जैसे यार। ओ भाई रुक, वाव इस बार एआई बहुत अच्छे से काम कर रहा भाई साहब, लेकिन हम अच्छे से नहीं कर रहे। तो हम जगह पर मुझे लगता है पहुंच गए ऑलमोस्ट। देखो इस जगह पर मैंने आपको बताया था जब ये अपडेट के फ़ोटोज़ वगैरह रिलीज़ हो रहे थे, तब मैंने आपको बताया कि ये नई जगह आने वाली है, और कुछ इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। भाई ये ड्राइवर दोस्तों यार कितने ख़तरनाक होते हैं आप देख ही सकते हो। ठीक है, ये लास्ट डेस्टिनेशन है, और कोई मार्कर है मतलब एक पर्टिकुलर फेमस प्लेस है जहाँ पर उन्हें उतारना है हमें, ये चीज़ है सही बहुत। लेट्स सी ये मार्कस कौन सा है, ये लोग मार्कस ही बोलते पता नहीं, ऐसे ही कुछ बोलते। अंदर जाना है, ये तो मॉल निकला भाई, नहीं मॉल नहीं है, ये मॉल ही है। तो मॉल के लिए पूरी बस भर के आया भाई, बीच पर लेकर आया दो भाई फैमिली वाले को पूरी तरह से। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से इन लोगों को लेकर भी जाना होगा, मैं तो भाई क्रेजी ड्राइवर हूँ, कहीं पर भी घुसा रहा हूँ। चलो पर बीच में भाई ध्यान रखना, यहाँ पर ये सिस्टम ऑन हो गया, ये मतलब यहाँ पर आप अब अपना जो स्पीड है वो एक जगह पर स्टेबल रख सकते हैं सीसी में डालकर अपनी गाड़ी को। ठीक है, अब हम रिवर्स करके डाल देते हैं अपनी गाड़ी को, कोई मतलब मेरा भाई ब्लॉगर सबसे पहले उतरे और उन्होंने देखा कि भाई क्रेजी जगह है, तो इन लोगों को अब लेकर जाना भी होगा। और इन लोगों को अब ये लोग घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी ले जाओ, खाना पीना तो देंगे ना ये लोग। मैं पारिस में कौन बीच में आता है, और बीच पे आता तो है पर यार यहाँ पर लहरें कितनी उफान मार रही है देख लो। मैं तो पानी में जाएगा, मैं आज गंगा में डुबकी लगाएगा। अरे लगा दी इतनी जल्दी, क्या बात है यार, इन लोगों का नसीब काफ़ी तेज़ है। और बीच पे आते ही यहाँ पर जो है सारी चीज़ें कुछ अलग ही हो गई। वैसे हमारे सिर्फ तीन ही लोग दिख रहे हैं, बाकी सब कहाँ पर है पता नहीं। अच्छा बाकी सब इस साइड से घुस रहे हैं, बहुत सही। अब हम चलते हैं इसको सेव। तो यहाँ पर आपको ड्राइवर का ऑप्शन तो पहले से ही देखने को मिल रहा था, आपको मोड में जाना है, यहाँ पर मैप का ऑप्शन है, इंपोर्ट पर क्लिक करना है, डिवाइस गैलरी में क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरा एक मैप है ये वाला जिसे मैं ऐड कर रहा हूँ, यस आई वॉन्ट टू ड्राइव ओवरसीज ओके। और यहाँ पर पैसे नहीं है मेरे पास, गरीब हूँ, 10,000 ही है भाई, ये पता नहीं कब पैसे कम हो जाते हैं मेरे। तो यार वीडियो देखते थे, आप भी ट्राई करना कि आप कुछ। तो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कैसे आप एक मैप मोड ऐड कर सकते हैं और उसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो ये एक और सिटी है जो 5 सिटी है उनमें से एक जो नई सिटी है जहाँ पर ऑफ रोड पीछे की साइड है, और रोड तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा शानदार है इस सिटी में।
ये है डिन पेसार, डिन पेसार करके एक सिटी है। और अब यहाँ पर आपको गेम में जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप जो है जहाँ पर होंगे, लाइक मैं अभी आपको बता दूँ, ये जैसे मॉल है, ये कोई स्कूल है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको अब देखने को मिलेगी बहुत आसान तरीके से। ये कार वॉश क्या है, चलते है क्या, क्या हम बस वॉश करवा सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं एक बार फिर पता करते हैं क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फीचर ऐड हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी लेट्स सी ये कोई ऐड हुआ है या फिर सिर्फ दिखावा है। अरे भाई, सही से ड्राइव करना पड़ेगा ढंग से। बच गया दीदी अभी यार, भाई बाहर निकल के मारती बहुत सही। और अब भाई ठीक है, टोरंटो कार वॉश, भाई भाई ये तो पता ही नहीं था मुझे इतनी स्पीड से आ रहा है भाई। ठीक है मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ अपनी गाड़ी वॉश होती है या नहीं। नहीं भाई, पर कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। जो आपको देखने को मिल रहा है पीछे देखे बिना, मैं तो घुसा रहा हूँ भाई अंदर, कोई नहीं है चलो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा क्या कुछ चीज़ें ऐड हुई है, 50 से ज़्यादा नए सीन्स ऐड हुए और सारी चीज़ें देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में। वर्जन 3.7 इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्जन एंड वन ऑफ द बेस्ट अपडेट बाय बस सिमुलेटर इंडोनेशिया डेवलपर मेलियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।